भारत को दो बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बनी फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में धोनी का किरदार निभाकर सुशांत सिंह राजपूत ने सभी की तारीफें बटोरी थी। धोनी की फिल्म ने धोनी जैसा बनने के लिए सुशांत ने काफी मेहनत की थी और इसके लिए वे धोनी के बचपन के कोच केशव बनर्जी के पास भी गए थे ताकि भारतीय कप्तान के फेमस हेलीकॉप्टर शॉट को लगाना सीख सके। फिल्म में कई ऐसी चीजें थी जो सुशांत ने धोनी की तरह ही की थी और हेलीकॉप्टर शॉट उनमें से एक था। इस फिल्म में बनर्जी के रोल को अनुभवी अभिनेता राजेश शर्मा ने निभाया है। बनर्जी ने कहा, सुशांत काफी अच्छे इंसान थे और उन्होंने फिल्म के लिए हेलीकॉप्टर शॉट तथा धोनी के तौर तरीके सीखने के लिए उनसे संपर्क किया था। बनर्जी ने कहा, वे बहुत अच्छे इंसान थे, वे बहुत अच्छे से पेश आते थे। आज मैंने समाचार चैनल पर देखा, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा, मुझे याद है जब वे रांची में आए थे, हमने लंबी चर्चा की थी, मैं वहाँ था, माही के दोस्त भी वहाँ थे। वे हमेशा मुझसे कहते थे कि दादा धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट सिखा दो ना। उन्होंने कहा, वे मुझसे पूछते थे कि माही कैसे खेलता है, उसके चेहरे के हाव भाव क्या होते हैं। वे काफी फोकस थे, एक तरफा समर्पण, इसलिए चीजें इतनी अच्छे से हुई। आप नहीं कह सकते कि वो धोनी नहीं है। आज मेरे पास सिर्फ यादें हैं, मैं गहरे सदमे में हूँ। सुशांत ने मुंबई स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके घर में काम करने वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सुशांत के निधन पर खेल जगत ने भी शोक व्यक्त किया है। कप्तान विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया ने सुशांत को श्रद्धांजलि दी है। अगर दोस्तों आप भी सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि उनको श्रद्धांजलि मिल सके। साथ में कमेंट में सुशांत सिंह RIP लिखकर जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।